उषा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा ने इसराइल से इनखला की परवाजें खत्म कर दी। कनाडा की लबनान में इनखला की एक और बड़ी कोशिश की मनसूबाबंदी। लबनान में तकरीबन 16,500 शहरियों ने अब तक हुकूमत के साथ रजिस्टर्ड हैं। चीन ट्रूडो पॉलिवर को निशाना बनाने वाली प्रोपेगेंडा मुहिम से मुंसलिक है। आलमी उमूर कनाडा का कहना है कि मुहिम का मकसद कम्युनिस्ट हुकूमत पर तनकीद को रोकना था। मुहिम में मुमकिन तौर पर डीप फेक हेरा फेरी वाली वीडियोस का भी इस्तेमाल किया गया। कैनेडियन हुकूमत का बजट अपडेट में हाउसिंग से मुतालिक अहम फैसलों का अंदिया। हाउसिंग मिनिस्टर का कहना है कि नए इकदाम का मकसद मुल्क भर में घरों की तामीर को बढ़ाना है। आवाम मुमकिन तौर पर वफाकी प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकेंगे। अमरीकी तैयारा तबाह करने की कोशिश का इल्ज़ाम। अमरीकी पायलट गिरफ्तार। ऑफ ड्यूटी पायलट पर इकदाम कत्ल की कोशिश के 83 इल्ज़ाम आयद। अमरीकी एयरलाइन की परवाज 80 मुसाफरों को लेकर वाशिंगटन से कैलिफोर्निया जा रही थी। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas, get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Canada ne Israel se inkhala ki parwaazein khatam kar di hain aur Lebanon ke mumkina bachao ki taraf tawajjuh mabzool karayi hai. Mazeed janenge is report mein. कनाडा ने इसराइल से इनखला की परवाजें खत्म कर दी हैं और लबनान के मुमकिन बचाव की तरफ तवज्जो मबजूल कराई है। लबनान में तकरीबन 16,500 कैनेडियंस ने तनाजा शिद्दत इख्तियार करने पर हुकूमत के साथ इंदिराज कराया है। कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस की आखिरी मनसूबा बंद इनखला की परवाज पीर को इसराइल से रवाना हुई, जब वफाकी हुकूमत इनखला के एक ऑपरेशन को खत्म कर दिया। कैनेडा अब लबनान में इनखला की एक और बड़ी कोशिश की मनसूबाबंदी कर रहा है, जिसे इसराइल और हमास के जारी तनाज़े का शिकार हो सकती है। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा मेलानी जूली लेबनान में मौजूद कैनेडियन से दरख्वास्त कर रही हैं कि वो घर आने के लिए हुकूमत की एक हफ्ते से जारी इंतबाह पर अमल करें। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या कनाडा हुकूमत के खर्चे पर शहरियों को हवाई लेबनान से बाहर निकालने के लिए तैयार है। कनाडा ने अब तक तकरीबन 1600 कैनेडियन शहरियों, मुस्तकिल रिहायशियों और अहले खानदान के अफराद को इसराइल छोड़ने में मदद की है, साथ ही मुतादिद गैर मुल्की शहरियों की भी। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा का कहना है कि गुज़िश्ता 10 दिनों में तेल अबीब से इस तरह की 19 मुआवन रवानगी परवाजें हुई हैं। लबनान में इस दौरान तकरीबन 16,500 शहरियों ने अब तक हुकूमत के साथ इंदिराज कराया है, जिससे ये जाहिर होता है कि इन लोगों की तादाद जिनको लबनान से फरार होने में मदद की जरूरत हो सकती है, कनाडा की जानिब से इसराइल से निकाले गए अफराद की तादाद से 10 गुना ज्यादा हो सकती है और रजिस्ट्रेशन नंबर पूरी कहानी नहीं बताते। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक एक अंदाजे के मुताबिक 40,000 से 75,000 कैनेडियन किसी भी वक्त लबनान में रह रहे हैं। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा का कहना है कि मुमकिन तौर पर चीनी हुकूमत, वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो, कंजर्वेटिव लीडर पियर पॉलिवर और दीगर मेंबरान पार्लियामेंट को निशाना बनाने वाली स्पैम फ्लिच डिसइंफॉर्मेशन मुहिम से मुंसलिक थी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा का कहना है कि मुमकिन तौर पर चीनी हुकूमत अगस्त और सितंबर में वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो, कंजर्वेटिव लीडर पियर पॉलिवर और दीगर मेंबरान पार्लियामेंट को निशाना बनाने वाली स्पैम फ्लिच डिसइंफॉर्मेशन मुहिम से मुंसलिक थी। महकमे के रैपिड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, जो गैर मुल्की रियासत के जेर एहतमाम गलत मालूमात फैलाने की कोशिशों की निगरानी के लिए कायम किया गया था,
ने कहा कि यह मुहिम अवामी जमहूरिया चीन से मुंसलिक है और इसका मकसद कम्युनिस्ट हुकूमत पर तनकीद को रोकना था। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रोपेगेंडा मुहिम अगस्त में शुरू हुई थी और इसने सियासी मैदान में दर्जनों अरकान पार्लियामेंट को निशाना बनाया था। इस फॉर्म प्लॉच मुहिम वो है जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, रेडिट, मीडियम और लिंक्डइन पर प्रोपेगेंडा पैगाम पोस्ट करने के लिए नए या हाईजैक किए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स के नेटवर्क का इस्तेमाल करती है। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने कहा कि बोट नेटवर्क ने सितंबर के तवील वीकेंड पर भाप पकड़ी, जिससे अराकीन पार्लियामेंट के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अंग्रेजी और फ्रांसीसी में हजारों तबसरे हुए। महकमे ने कहा कि चीनी मुहिम में मुमकिन तौर पर डीप फेक हेराफेरी वाली वीडियोज का भी इस्तेमाल किया गया। जे ए सी हुकाम की जानिब से मुतासिरा एमपीज को एक ईमेल में कहा गया है कि उनमें से 47 कनाडा भर से निशाना बनाए गए थे। ईमेल में अरकान पार्लियामेंट को मशवरा दिया गया कि वो गैर मुल्की मदाखलत से खुद को कैसे बचाएं और उन्हें यकीन दिलाया कि इस मुहिम से उनकी हिफाजत को कोई खतरा नहीं है। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा की ईमेल में कहा गया, ये हमारा अंदाजा है कि मालूमाती ऑपरेशन का मकसद आपकी साख पर मनफी असर डालना था, न कि आपको जिस्मानी नुकसान पहुँचाना या आपके खानदान को खतरे में डालना। जी ए सी की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑपरेशन का हदफ दुगना था। आलमी उमूर कनाडा ने कहा कि हुकूमत सूरत हाल की निगरानी जारी रखेगी और बशमूल अवामी और सिफारती मशगूलियत के जरिए जरूरी और मुनासिब जवाब देगी। एम पी को ग्लोबल अफेयर्स कनाडा की जानिब से मजीद मुकम्मल ब्रीफिंग की भी पेशकश की गई है। कनाडा के हाउसिंग के वजीर शॉन फ्रेजर का कहना है कि विफाकी हुकूमत मौसम खजा के बजट की ताज़ाकारी में और आने वाले महीनों में हाउसिंग के मजीद इकदाम का इंकशाफ करेगी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के हाउसिंग के वजीर शॉन फ्रेजर का कहना है कि वफाकी हुकूमत मौसम खजा के बजट की ताज़ाकारी में और आने वाले महीनों में हाउसिंग के मजीद इकदाम का इंकशाफ करेगी, जिनका मकसद मुल्क भर में घरों की तामीर को बढ़ाना है। एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शॉन फ्रेजर ने इन इकदाम पर भी गौर किया जो वफाकी हुकूमत कलील मुद्दती किरायादारों से रिहाइश की इस्तेआत पर पड़ने वाले तनाव को दूर करने के लिए कर सकती है। शॉन फ्रेजर ने कहा कि आपको मौसम खजा के मौशी बयान में रिहाइश पर इजाफी इकदाम देखने की तवक्को करनी चाहिए। आपको अगले महीनों में मजीद वसी पैमाने पर इजाफी इकदाम देखने की तवक्को करनी चाहिए, क्योंकि वो तैयार है। मैं इन्हें किसी जादुई तारीख के लिए इंतजार करने और पकड़ने के लिए नहीं जा रहा हूँ, जहां हम अचानक तमाम पॉलिसियां एक साथ जारी कर देते हैं। शॉन फ्रेजर ने यह भी कहा कि समाजी रिहाइश के जखीरे को बढ़ाने और तामीराती सनत में कारकुनों की महारतों और जिद्दत को बढ़ाने के लिए मजीद पॉलिसियां तैयार की जाएंगी। उनमें से कुछ मुतवक्के इकदामात में विफाकी बुनियादी ढांचे के अखराजात को मुकामी कम्युनिटीज में हाउसिंग के नतीजे से जोड़ना शामिल है। शॉन फ्रेजर ने कहा, दूसरे इकदाम का एक सिलसिला होगा जो हम रिहाइश के मालियाती अमल के इर्द गिर्द भी हल करने की कोशिश करते हैं। फ्रेजर ने कहा, विफाकी हुकूमत कलील मुद्दती किराए की हौसला शिकनी के लिए टैक्स का इस्तेमाल कर सकती है और हुकूमत की दीगर सतहों के लिए विफाकी माली आनत से शराइत मुंसलिक कर सकती है। उन्होंने कहा, हम मुमकिन तौर पर विफाकी प्रोग्रामों से फ़ायदा उठा सकते हैं जिसमें टैक्स लगाना शामिल है। दीगर किस्म के रवैयों को तरगीब देने के लिए विफाकी अखराजात की ताकत शामिल है। उन्होंने कहा, लेकिन मजीद अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। फ्रेजर ने कहा कि विफाकी हुकूमत बहुत बड़े मंसूबों के साथ शहरों को फंड्स फराहम करने को तरजीह दे रही है और मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की बुनियाद पर बेहतरीन तरीकों का इश्तराक किया है। उनमें खारजी जोनिंग को ख़त्म करना, इजाजत नामे की कार्रवाई को तेज करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और मजीद मकानात की तामीर के लिए म्यूनसिपल ज़मीनों का इस्तेमाल शामिल है। उन्होंने कहा, हम दूसरे शहरों की हौसला अफजाई करेंगे जिनकी दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं, उनमें से कुछ तब्दीलियों को लागू करने पर गौर करें ताकि आपकी मंजूरी की मुश्किलात को दूर किया जा सके। अमरीकी तैयारे को क्रैश करने की कोशिश के इल्जाम में अमरीकी पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी तैयारे को क्रैश करने की कोशिश के इल्जाम में अमरीकी पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ऑफ ड्यूटी पायलट पर इकदाम कत्ल की कोशिश के 83 इल्जाम आयद किए गए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ऑफ ड्यूटी अमरीकी पायलट ने इतवार की रात अमरीकी परवाज को गिराने की कोशिश की। पायलट तैयारे के कॉकपिट में कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर के पीछे बैठा था। अमरीकी मीडिया ने एयरलाइन इंतजामिया के हवाले से बताया कि ऑफ ड्यूटी पायलट ने दौरान परवाज खलल डालने की कोशिश की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी एयरलाइन की परवाज 80 मुसाफिरों को लेकर वाशिंगटन से कैलिफोर्निया जा रही थी। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। News are precise and effective.